दोस्तों बंद हुई सीएससी आईडी ऐसे होगी चालू, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है सीएससी से। जो भी सीएससी आईडी, जैसा कि दोस्तों मैंने बहुत पहले भी बताया था, सभी आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि सीएससी आईडी आपकी ऐसी चालू होगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन सीएससी की तरफ से आपका नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपको सीएससी आईडी दोबारा से कैसे चालू होगी, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन झाकड़ और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल हेल्प हिंदी। यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों एक चैनल है जिसका नाम है कृष्णा स्टेटस, अगर आप व्हाट्सएप की वीडियो देखना चाहते हैं रिलेटेड कृष्णा, तो आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो चलो हम लोग पूरे डिटेल जानने के लिए आ जाना आपको डिजी मेल पर। जैसे आप डिजी मेल पर आते हैं तो आपको एक न्यूज लेटर मिला है और वहां पर आपको एक नोटिफिकेशन मिला है। यहाँ पर देख सकते हो अटेंशन वेली ट्रांजेक्शन ऑन डिजिटल सेवा पोर्टल। तो यहाँ पर आपको बोला गया डियर वेली डीएक्टिवेशन डन फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहले रीजन बताया गया क्यों डीएक्टिवेट की गई हैं आईडियां। तो पहला है नॉन ट्रांजेक्टिव आईडी, मतलब वेली जिन्होंने ट्रांजेक्शन अभी तक कोई भी नहीं किया, आईडी ले ली और ट्रांजेक्शन नहीं किया, उनकी आईडी बंद कर दी गई है। या बैंक अकाउंट नेम एंड सीएससी आईडी नेम बीइंग डिफरेंट, आपका बैंक अकाउंट और सीएससी आईडी डिफरेंट पाया गया है। या मोर देन वन सीएससी आईडी हैविंग सेम अकाउंट, या एक ही अकाउंट से एक से ज्यादा आईडी आपकी चल रही हैं। तो ये तो हो गया रीजन बंद करने का। तो चालू कैसे होगा ये भी यहाँ पर नीचे दिया गया है। फैसिलिटी टू मेक करेक्शन फॉर ब्लॉक्ड सीएससी आईडी इज बीइंग लॉन्च्ड दिस वीक, वेली कैन करेक्ट डिटेल एंड द आईडी विल बी एक्टिवेटेड देयर आफ्टर। उन्होंने बोला जिनकी भी आईडी ब्लॉक्ड हो गई है, बंद हो गई है, उसमें करेक्शन के लिए इस हफ्ते उनको ओपन कर दिया जाएगा और जो भी गलतियां हैं आपको सुधारने का मौका दिया जाएगा, और यदि आप उसको सुधार लेते हैं तो आपका इसके बाद आईडी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस, यहाँ पर कोई और मेथड नहीं बताया गया, तो आप इस हफ्ते तक भी वेट करें और आपका आईडी फिर से पुनः चालू किया जाएगा। और जो भी रीजन आप जो अभी स्टेटस देख पा रहे होंगे वो रीजन आप याद रखें कि ये रीजन की वजह से मेरी आईडी बंद हुई थी और आपकी आईडी ओपन कर दी जाएगी। तो ये पूरा प्रोसीजर होगा, आप सिर्फ वेट करें और आपको कुछ नहीं करना है। और जैसे कोई अपडेट आता है मैं आपको फिर से बताऊंगा कि सीएससी आईडी में कैसे करेक्शन करना है, क्या करना है। तो आपकी जल्दी सीएससी आईडी फिर से रीओपन कर दी जाएगी और आप करेक्शन करके आप आईडी फिर से चला पाएंगे। ये पूरा अपडेट था, मैंने सोचा आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूं। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।